इस वक्त शाम पाली का यह पहला मुकाबला गजपुर बनाम तिवई के बीच इस वक्त पूरी तरह से चालू होने की स्थिति में, जो कि स्ट्राइक होंगे एक टाइगर वही नॉन स्ट्राइक पे निखिल ओपन करने के लिए आए हैं गजपुर की तरफ से। और वही स्ट्राइकर गेंदबाज होंगे विशाल, ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस वक्त शाम के समय चलता हुआ, जो भी टीम विनर बनेगी वो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और जो भी टीम यहाँ से हारेगी वो सीधे घर वापसी करेगी। तो देखना होगा कौन सी टीम बनी रहेगी इस प्रतियोगिता में और कौन सी टीम यहाँ से घर वापसी करेगी। फिलहाल मौसम इस वक्त काफी हद तक अच्छा होता हुआ खिलाड़ियों के मद्देनजर देखते हुए, शाम का समय इस वक्त धूप पूरी तरह से हट चुकी है। ये पहली गेंद और 60 पिच गेंद पूरी तरह से शुरुआत हुई है इस इनिंग की 6 रनों के साथ। तो टाइगर के बल्ले से निकलने वाला यह पहला सिक्स और जो भी अतिरिक्त कमेटी के मेंबर है युवा मेंबर वो गेंद लाने में जरूर सहयोग दे अपना। पहली गेंद इस इनिंग की 60 पिच गेंद पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई और सिक्स के साथ इस इनिंग की शुरुआत। एक स्लोअर स्पिन गेंदबाज के साथ तो अच्छी शुरुआत, ये अच्छा डिफेंसिव शॉट लेकिन नो बॉल, अंपायर इशारा। पूरी तरह से अनुभवी अंपायर इस वक्त एक्स्ट्रा रन जरूर मिलेंगे यहाँ से और साथ में फिर हिट भी। आप लोग अंपायर पर दबाव ना बनाए, अगर डिसीजन दे दिए है अंपायर ने तो समझते आपको मानना पड़ेगा और समझते ही कैप्टन और गेंदबाज का कार्य होता है फील्डिंग लगाना, जो कि इस प्रतियोगिता में जो भी रूल है उसे मद्देनजर रखते हुए इस वक्त ये अच्छी 60 गेंद हवा में जरूर, नीचे खिलाड़ी मौजूद लेकिन फिर था तो नुकसान होगा नहीं कुछ, सिंगल मिलेगा। जो कि हवा तेज है जिसके कारण दूरी मिली नहीं और वही स्लोअर गेंदबाज है स्पिन गेंदबाज के साथ शुरुआत की है टीम के कैप्टन। ढेर जाएगा दर्शकों को हम बता दें तिवई बनाम गजपुर के बीच यह क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो भी टीम विनर बनेगी वो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। तिवई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है
देखना होगा कहाँ तक ये निर्णय साबित होगा। कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेगी टीम, और वही एक अच्छा टोटल खड़ा करना चाहेगी कछुआ की टीम, जो कि ओपन करने के लिए आई इस वक्त टाइगर और निखिल की जोड़ी। अब सामना करेंगे निखिल, और हल्के हाथों से खेली गई 60, वहां पर सिंगल मिलेगा। स्पिन गेंदबाजी करते हुए इस वक्त विशाल, एक और स्लोअर गेंद पूरी तरह से कनेक्ट किया इस बार बल्लेबाज ने, जो कि स्ट्राइकर के स्ट्राइक होंगे टाइगर। अच्छे लय में नजर आ रहे हैं पूरी तरह से, अब तक दो सिक्स लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त इस पहले ही ओवर में, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी शुरुआत इस वक्त पूरी तरह से दोनों बल्लेबाज। अच्छी गेंद, सिंगल मिलेगा। कहीं न कहीं बल्लेबाजों का यही कोशिश होता है कि लगातार स्ट्राइक रोटेट हो, अगर रडार में गेंद आए तो उसे पूरी तरह से हिट किया जाए। वही ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त करते हुए लास्ट गेंद का निर्देश देते हुए इस वक्त अंपायर। ये स्लोअर गेंद जरूर थी लेकिन दो रन लेने का प्रयास उसे पूरी तरह से सफल, हल्की सी मिसफील्ड हुई यहाँ पर और पूरी तरह से दो रन मिलेंगे। इस दो रन के साथ 18 रनों पर जहां बचा स्कोर और इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद, तो अच्छी शुरुआत अंपायर जो कि पानी का इशारा किए हैं, तो जो कमेटी के मेंबर है पानी का बॉटल पहुंचा दे ग्राउंड पे। चंदन लेकर आए हैं दूसरा ओवर, कल के जो कि ये हीरो रहे थे, आज देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी किए थे कल, कुछ उसी तरह की जरूरत आज भी। स्लोअर लेन के साथ शुरुआत, जरूरी मिसफील यहां पर, तो अगर घेरे में गिर गए तो फिक्स। इस ओवर जा पाया स्कोर इस वक्त टाइगर और निखिल की जोड़ी मौजूद ग्राउंड पे। कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत ये दोनों सलामी बल्लेबाज, ये बल्ला जरूर तेजी के साथ घुमा था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। चंदन जरूर वापसी कराना चाहेंगे अपनी टीम का, अच्छी गेंदबाज अपनी टीम के, एक बार पुनः और विकेट, वो हल्की सी एज के साथ विकेट का पतन।
और वही बात करते इस मुकाबले में हैट्रिक सिक्स लगाने पर मुलायम यादव की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुनहरा अवसर खिलाड़ी हैट्रिक सिक्स लगाने पर 101 रुपए का इनाम मुलायम यादव जी के तरफ से दिया जाएगा। और अब टाइगर का जगह लेने के लिए आए हैं लालू। आज वन डाउन मौका मिला है, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। चंदन जिसके लिए आए थे कहीं ना कहीं, जो कि टाइगर ओपन करने के लिए आए थे, 8 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन उनके बल्ले से निकले जिसमें 2 सिक्स शामिल थे। ये पहली गेंद पर और बैक टू बैक विकेट। पिछले मैच के हीरो रहे चंदन, उसी अंदाज में शुरुआत की है गेंदबाजी की और बैक टू बैक विकेट लेने के बाद इस वक्त तो तालमेल की कमी के कारण विकेट गवा कर वापस जाएंगे। ये लगा रन आउट। बात करें इस ओवर की तो मात्र 3 रन खर्च किए और 3 सफलता जिसमें 2 चंदन के नाम और 1 रन आउट। और कोई भी खिलाड़ी अगर बैक टू बैक 6 गेंद 6 सिक्स लगाता है तो 5001 रुपये का इनाम दिया जाएगा मुलायम यादव की तरफ से। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं अरविंद। एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत है यहां से मिडिल के ओवरों में, जो कि अच्छे हाइट के साथ तगड़ा प्लेयर इस वक्त नॉन स्ट्राइक है। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। और वही स्ट्राइक होंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। गेंद बल्ले पर आई है और बाउंड्री मिलेगी। इस बाउंड्री के साथ इस ओवर की शुरुआत जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज
कहीं ना कहीं अगर ये कैच मंगा रहता तो पूरी तरह से नहीं होती दिखी थी, लेकिन देखना होगा इस जीवन का कहां तक फायदा उठाते हैं ये और कमेटी के मेंबर हो गए दला लेंगे जो बाउंड्री के बाहर गई थी। ये जबरदस्त पूरी तरह से गेंद और बल्ले का कनेक्शन और भी लगे 6 रन। दो रन के साथ ओवर समाप्त, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 38 रन। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल बनाना चाहेगी गजपुर की टीम। इस वक्त क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच, जिसमें तिवारी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और चंदन ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस दूसरे ओवर में 3 सफलता टीम को दिलाते हुए मात्र 3 रन खर्च किए थे जो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। और अगर गेंद उस घेरे के अंदर जाती है तो प्लेयर उस घेरे में नहीं जा सकते हैं, अंपायर डिसीजन बता देंगे। दूर आप लोग फील्ड करने के लिए उस घेरे के अंदर ना जाइए, वहां पर फिक्स है 2 रन। अगर गेंद वहां में जा जाती है तो बंद मिलेगी। ये गेंद हवा में नीचे खिलाड़ी और ये कैच छिटक गया हाथ से। दो जीवनदान अब तक मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट बल्लेबाज और अब जो कि गजपुर के ग्राम प्रधान है, देखना होगा क्या वो बड़े शॉट लगाकर अपनी टीम के स्कोर में इजाफा करेंगे। व्हाइट गेंद का इशारा अंपायर का। पूरी तरह से इस मैच में अगर बने रहना है तो अच्छी क्षेत्र छोड़ कहीं ना कहीं उस गेंदबाज का साथ देना होता है। प्लेइंग 11 के 11 सदस्य खिलाड़ी होते हैं और जो भी ग्राम प्रधान गजमूर उनके द्वारा अच्छी बल्लेबाजी और जो कि इस मैच को ये जबरदस्त है पूरी तरह से कमेटी बात से ऊपर से ये पूरे मैक्सिमम 6 रन मिलेंगे। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त
ग्राम प्रधान अपने गांव के साथ आए इसे 52 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। और मुलायम यादव जो कि इस मैच में इनामों की बारिश से इनके द्वारा एक और जबरदस्त अगर हैट्रिक सिक्स लगाते हैं तो 101 रुपये का इनाम उनके शुभ हाथों से दिया जाएगा। और वही बैक टू बैक 6 गेंद और 6 सिक्स लगाते हैं तो 5001 रुपये का इनाम। अंठावन रनों पर जा बचा स्कोर इस वक्त। और अब पुनः एक बार चंदन आए हैं तो 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। शेष 24 गेंद बचे हैं। इस 24 गेंद में कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें वापसी करना चाहेंगी, जिसमें तिवई इस वक्त गेंदबाजी पूरी तरह से एक जबरदस्त गेंदबाज चंदन के हाथों में। करते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी अपने स्ट्रांग जोन में गेंदबाजी करते हुए इस वक्त चंदन। कहीं ना कहीं गुडलिथ की गेंद दिक्कत होती है हर एक बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज के सामने ये गेंदबाज पूरी तरह से अच्छी गेंदबाजी करते हुए सब एक और डांट गेंद जो पूरी तरह से वापसी कराते हैं। जब भी अपना ओवर लेकर आते हैं अपनी टीम को टीम के ऊपर से वो दबाव हटाने का प्रयास रहता है इस गेंदबाज का, जबकि इस ओवर में बता दे वो पहली गेंद पर ही बाउंड्री आया था लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी चंदन के द्वारा बैक टू बैक 3 गेंद डॉट एक और स्लोअर गेंद लेकिन इस बार पूरी तरह से कनेक्शन हुआ है और पूरे 6 रन मिलेंगे। कहीं ना कहीं डॉट गेंद उसके बाद गेंद बल्लेबाज के रडार में जिसका पूरी तरह से उठाया बल्लेबाज जोर से बल्ला घुमा जरूर लेकिन ओवर समाप्त 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 68 रन। 68 रनों पर जा पहुंचा स्कोर 5 ओवर समाप्ति के बाद जो युवा विंगर है जिनके हाथों में मेडल पहुंचा देगा जो कि ग्राम प्रधान गजपुर के इस वक्त बल्लेबाजी की हैट्रिक के चांस भी हो गए। देखना होगा क्या वो हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर नहीं। और जो कि अगर हैट्रिक लगाते हैं तो मुलायम यादव के तरफ से वही 101 रुपये का इनाम उनके खाते में जाएगा। 30,000 इस इनाम के पूरी तरह से करीब गए हैं राइट हैंड के बल्लेबाज अरविंद यादव।
हे आनंद हाय हाय बिंदबाजी के लिए और सामने होंगे अरविंद। ये हैट्रिक नहीं हो पाया इस वक्त तो वो 100 रुपए बचा लिए अपने। अगर हैट्रिक सिक्स लगाते हैं तो समय